अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेटा करेक्शन और माइनस लेक्चर नंबर 2। बेटा, आप लोग लेक्चर नंबर 2 कर रहे हो तो इट ऑलरेडी मीन्स कि आपको पता है कि हमारे पास काम करना क्या है। आपने पूरे सेंटेंसेस नोट डाउन करने हैं और बेटा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें मेरे बच्चों आप लोगों ने करेक्शन करनी है। अगेन बेटा, मैंने आपको 15 सेंटेंसेस दिए हैं 16 से लेके 30 तक। इसमें बेटा आप लोगों ने मिस्टेक्स को करेक्शन करके लिखना है। और बेटा एज कम्पेयर टू लेक्चर नंबर 1, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों आप लोगों ने अब ये काम करना है, ठीक है। और ये समझाने के लिए मेरे बच्चों मैं अगेन लास्ट के 10 मिनट्स बेटा मैं समझाने के लिए दूंगा। मैं आपको काम करने के लिए जो ड्यूरेशन दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ टोटल, मैं बताना शुरू करूंगा 35 पर, सॉरी 30 या 35 पर बताना शुरू कर दूंगा। बहुत है, 20 मिनट्स, 30 या 35 के बीच में बताना शुरू कर दूंगा। आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर इंग्लिश की ये वाली फॉर्म क्या होती है, आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर इंग्लिश में इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये बता दूंगा मैं, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि आपने सेंटेंस सही बनाए कि गलत बनाए। वो मेरे बच्चों आप लोग खुद बनाओ, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो। तो मेरे बच्चों बेटा काम आपके सामने मौजूद है, आपको काम ऑलरेडी पता है करना क्या है, स्टार्ट कर दो मेरे बच्चों, ठीक है। फिर मैं आपको जिस तरह लास्ट टाइम एक एक सेंटेंस समझाया था उसी तरह से मेरे बच्चों मैं आपको एक एक सेंटेंस के बताऊंगा कि भाई इसका ये जो बन रहा है वो क्यों सिमिलिंग बन रही है। चलो मेरे बच्चों बेटा सारे शुरू हो जाओ, शाबाश सबके सब बच्चे।
जो मेरे बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आई होप मेरे बेटा कि आप लोगों को जो है ना काम समझ में आ गया होगा, क्योंकि तुम लोग पहले भी ये काम कर चुके हो कि कुछ बच्चों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। बेटा ये हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर से लेक्चर नंबर 2 है, तो बेटा जल्दी से तरह काम करते रहो, शाबाश। थोड़ी देर रहती है, उसके बाद मैं आंसर बताना शुरू कर दूंगा।
अरे बेटा आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रहा, काम दिया हुआ करने के लिए बेटा। गुड बेटा हसन, थोड़ा वेट करो मेरा बच्चा ताकि बाकी भी कर लें। मेरे बच्चों मैं आपको बस 6 या 7 मिनट और दे रहा हूँ, फटाफट काम कर लो ताकि फिर मुझे लोगों को समझाऊँ, जरा जल्दी करो। हाँ बेटा, अरे लेकिन अब बेटा मैं आंसर तो बताऊंगा ना मेरा बच्चा, जितने हो रहे हैं खैर उतने तो करो बेटा।
हाँ बेटा, फसल फिक्र नहीं करो बेटा, मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा, बस जरा थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं आ रही बेटा, मैंने सिर्फ ये सेंटेंसेस दिए थे एक्सप्लेन करने, एक्सप्लेन अभी करूंगा कि किसका आंसर क्या है, और एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो फिक्र नहीं करो बेटा अभी। सही है, अभी जरा बेटा फटाफट यारा काम करो, उसके बाद जरा हम एक्सप्लेनेशन पे ही आएंगे अपनी। चलो मेरे बच्चों, मेरा टाइम्स अप। अब बेटा मैं आपको जो एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ, सारे के सारे बच्चे अपनी स्क्रीन पे देखिए, आंसर भी बताता जा रहा हूँ मेरे बच्चों, एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। फर्स्ट सेंटेंस आ रहा है कि वी आर नाउ लर्न इंग्लिश, बेटा अभी की बात की जा रही है, तो हमारे पास हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, वी आर नाउ लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन डिपेंड फॉर देयर पेरेंट्स, मेरे बच्चों डिपेंड क्या है कि फॉर नहीं लगता, बल्कि क्या आता है, डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स। ये आसान है, इसलिए इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि आगे दरअसल मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना है। नथिंग ग्रो इन अ डेजर्ट, मेरे बच्चों ये जो वर्ड्स होते हैं ना, नोबडी या नो वन, समवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, या जैसे कि नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ये जो वर्ड्स हैं इनको हमेशा सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करते हैं। एवरीथिंग जो वर्ड है ना, इसको भी सिंगुलर के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। लिहाजा अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो बेटा ग्रो नहीं आएगा, क्या आएगा, ग्रोज इन अ डेजर्ट। नेक्स्ट है, समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू लिव अ ऑनेस्ट लाइफ, तो मेरे बच्चों यहाँ पर दो मिस्टेक्स हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू लिव एन ऑनेस्ट लाइफ, ठीक है, आ ऑनेस्ट लाइफ नहीं होगी। शी मस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव, मेरे बच्चों मस्ट हमारे पास जो है एक मॉडल है,
और बेटा मस्ट के आगे फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो क्या बनेगा, शी मस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट पर आओ बेटा, हमारे पास क्या आ रहे हैं, द इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो मेरे बच्चों इसका क्या है, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, क्योंकि हम लैंग्वेज के नाम से पहले बेटा आर्टिकल नहीं लगाते, आ इंग्लिश या द इंग्लिश नहीं लगाते, सिंपल क्या बन जाएगा, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। अ ग्रीन एंड अ ब्लू बर्ड, मेरे बच्चों जरा सुनो, अगर ये होता अ ग्रीन एंड ब्लू, अगर ये होता, जरा सेंटेंस को समझो, तो बेटा तब तो बात ये होती कि हम एक परिंदे की बात कर रहे हैं, लेकिन सुनो क्या लिखा हुआ है, अ ग्रीन एंड अ ब्लू, मतलब एक हरे रंग का और एक ब्लू रंग का, एक नीले रंग का, मेरे बच्चे दो वर्ड्स हो गए। अब जब दो वर्ड्स हो गए तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे, लिखा हुआ है ना, देयर आर टू बर्ड्स, अ ग्रीन बर्ड एंड अ ब्लू बर्ड, द सब्जेक्ट इज प्लूरल, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज वर्ब। ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं सेंटेंस में, Where you spent last Sunday? तो मेरे बच्चों, ये हमारे पास आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि WH के फौरन बाद हम क्या लगाते हैं, हम helping verb लगाते हैं, तो क्या बनेगा, Where did you spend आएगा, Where did you spend last Sunday? Simple as that. He had died of heart failure. मेरे बच्चों देखो, past perfect का मैं बता चुका हूँ कि comparison आना लाजमी होता है दो tenses के बीच में, यहाँ comparison नहीं आ रहा past का, जब कंपैरिजन नहीं आ रहा तो भला कैसे हम इसको बेटा कर सकते हैं, सिंपल आएगा, ही डाइड ऑफ अ हार्ट फेलियर, दैट्स इट, ठीक। आई विल विजिट लंदन इफ आई विल मीट यू, मेरे बच्चों ये है फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल नहीं पढ़े भी फिक्र नहीं करो, हम आगे पढ़ाएंगे टेंसेस के बाद यही पढ़ाएंगे हम लोग, मेरे बच्चा ये बनेगा जो इफ वाला क्लॉज होता है ना, इफ वाला, वो मेरे बच्चों बनता है प्रेजेंट में, इफ आई विजिट लंदन आई विल मीट यू, If के साथ बेटा हम फ्यूचर में नहीं लगाते, क्या बनेगा, If I visit London, comma, I will meet you, simple as that. 10 तक काउंट कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. नेक्स्ट आओ बेटा, She is married with an engineer. मेरे बच्चों married to होता है, She is married to an engineer. I did not saw him yesterday. बेटा did I get the first form? I did not see him yesterday. They have sang songs. बेटा ये present perfect बन रहा है. तो sang नहीं आएगा, sung आएगा. They have sung songs. Each of the cars are fast. और 30 वाला लिखा हुआ है. One of the train is late. Now listen carefully. मेरे बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं each of, तो एक बात याद रखना. Each of the cars. यहां तक तो ठीक है, लेकिन बेटा इसको हम ट्रीट करेंगे सिंगुलर, तो क्या बनेगा, ईच ऑफ द कार्स इज फास्ट। यहां की बात करें तो वन ऑफ द, ये ट्रेन नहीं होना चाहिए, ये होगा ट्रेन्स, वन ऑफ द ट्रेन्स इज लेट। आगे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना आप जरा, पहले 10 तक काउंट करो, ये ठीक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब मेरे बच्चों जरा आगे आ जाओ, अब असल कहानी आ रही है बेटा, कुछ रूल्स बता रहा हूं जरा याद रखना, ये देख रहे हो, ईच ऑफ, इसके आगे जो वर्ड आएगा वो प्लूरल, जैसे कि हमने कहा ना, ईच ऑफ द कार्स, या वन ऑफ द कार्स, सम ऑफ द कार्स, अ फ्यू ऑफ द कार्स, मोस्ट ऑफ द कार्स, ऑल ऑफ द कार्स। मेरे बच्चों यहां पर मैंने इज लगाया हुआ है, इज इज आर 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 आर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इज आएगा, मकसद क्या है कि इसको आप सिंगुलर ट्रीट करोगे, जैसे कि ईच ऑफ द कार हैज आ सकता है, वॉज आ सकता है, ठीक है, इस तरह से आ सकते हैं, यहां पर क्या आ सकता है, हैव आ सकता है, वर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये मतलब ये वाले सिंगुलर बनेंगे और बेटा जो नीचे वाले हैं ना ये प्लूरल बनेंगे, लेकिन ये याद रखना कि मेरे बच्चों यहां पर जो वर्ड आएगा ना ये प्लूरल आएगा, जैसे कि ईच ऑफ द कार्स, वन ऑफ द कार्स, सम ऑफ द कार्स, अ फ्यू ऑफ द कार्स, मोस्ट ऑफ द कार्स, ऑल ऑफ द कार्स, ये प्लूरल आना लाजमी है। और फिर हेल्पिंग वर्ब दो में सिंगुलर आ रहे हैं, ईच वाले में और वन वाले में सिंगुलर आ रहे हैं, ठीक है। चलो भाई मैं 10 तक काउंट कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कहानी है असल में नन ऑफ की। नन ऑफ जो है ना थोड़ा फंकारी वाले मामला है। वो कैसे कि पहले कह रहे हैं कि नन ऑफ सिंगुलर कहां पर होता है, कह रहे हैं क्या रसों में क्या लिखा हुआ है, यूज अ सिंगुलर वर्ब विद नन व्हेन व्हेन व्हाट यू आर रेफरिंग टू इज सिंगुलर और यू वांट टू एम्फसाइज इट्स सिंगुलरनेस। कह रहे हैं कि नन के साथ ना आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो आप सिंगुलर तब यूज करो जब आप किसी पर्टिकुलरली तौर पे उसको सिंगुलर बनाना चाह रहे हो। जैसे कि देखो, नन ऑफ द गॉसिप वॉज अबाउट मी, ये सही है, बिल्कुल सही सेंटेंस है कि नॉट वन पार्ट ऑफ गॉसिप वॉज अबाउट मी, एक सिंगल पार्ट भी मेरे बारे में नहीं था गॉसिप का। एक और सेंटेंस देखो, नन ऑफ द स्नो हैज मेल्टेड, कि स्नो कोई मेल्ट वगैरह नहीं हुई है, एक पार्ट भी मेल्ट नहीं हुआ है। यहां पर मेरे बच्चों हमने क्या यूज किया है, नन को एज अ सिंगुलर के तौर पर यूज किया है। देखो ना, वॉज आ रहा हैज आ रहा है, चलेगा ये। अब क्या लिखा हुआ है देखो जरा, अब एग्जाम्पल दी क्या लिखा हुआ है, कैन यू हियर हाउ नन ऑफ द गॉसिप वर अबाउट मी और नन ऑफ द स्नो हैव मेल्टेड, साउंड रॉन्ग। मतलब कि ये सेंटेंस सुनने में भी थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा है, लिहाजा क्या लिखा हुआ है, वी अब हम इस तरह इंग्लिश में हम बात करते नहीं है। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, उसका भी स्क्रीन शॉट ले लो, तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे आ जाओ बेटा, नन ऑफ मेरे बच्चों हमने देखो क्या किया हुआ है, आगे एग्जाम्पल क्या लिखी हमारे पास, ये सिंगुलर के साथ भी लाइक ब्रेड इलेक्ट्रिसिटी वाटर है, जैसे क्या बोलते हैं, नन ऑफ द एयर इज पॉल्यूटेड, ठीक है। इस तरह करके हम यूज करते हैं, इनके साथ सिंगुलर यूज करते हैं जो मास नाउन होते हैं, जो मास लेवल पे हम बात करते हैं। चलो भाई आगे आओ जरा, आप कह रहे हैं कि नन ऑफ जो है प्लूरल का होता है। जी हाँ मेरे बच्चों, नन ऑफ सिंगुलर भी यूज किया जा सकता है, प्लूरल भी यूज किया जा सकता है, लेकिन देखो जरा एग्जाम्पल सुनो जरा हमारे पास क्या है, यूज अ प्लूरल वर्ब विद नन when what it is referring back is more than one of whatever is indicated, कि जब कभी आपको sentence देख के लग रहा है कि हम none use कर रहे हैं किसी खास तौर पे plural चीज को describe करने के लिए, तो last में आपको जो helping verb वगैरह लगाना पड़ेगा वो plural लगाना पड़ेगा। जरा sentence की example देखो मेरे बच्चों, क्या आ रहा है, 3 people were on the panel, कि panel पे कितने लोग मौजूद, 3 हैं। None of them are women. मेरे बच्चों none of them के आगे is नहीं लगा सकते हम, क्योंकि हम जानते हैं हम बात ही plural की कर रहे हैं कि none of them is नहीं आ सकता, none of them were women, कौन में से कोई भी औरत नहीं थी। चलो एक और example देखो बेटा हमारे पास क्या आ रही है, I bought several types of batteries but none of them are the right kind. मैंने बहुत सारी batteries खरीदे लेकिन उनमें से कोई सी भी सही तरीके वाली नहीं थी, आर द राइट टाइम, यहां पर आर आएगा इस नहीं आएगा। आगे आ जाओ, बल्कि सॉरी स्क्रीनशॉट लो इसका लेना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब एक और फंकारी का काम, नन ऑफ क्या दोनों हो सकते हैं, जी हाँ एक सेंटेंस में दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं। जरा देखो क्या लिखा हुआ है, Yes, we can use either a singular or a plural verb based on context, based on what sounds better or clearer. कहने के it depends on the situation, मेरे बच्चों कि आप helping verb none of के साथ क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जहां पर is भी सही लगेगा और यदि कि मतलब कि singular verb और plural verb दोनों सही लगेंगे। देखो example देखो यहाँ पर, none of the book is worth reading. None of the books is worth reading. सही है, लेकिन आगे देखो, none of the books are worth reading. ये भी सही है। क्या लिखा हुआ है देखो, क्या लिखा हुआ है, both are correct and a person could choose to use either. कोई कुछ भी use कर सकता है। The second though sounds more natural to many English speakers. लेकिन कह रहे हैं जो English speakers हैं उनके लिए second वाला option क्या है, मतलब ज्यादा natural sound करता है as a context. Concerns about multiple books, क्योंकि उसमें क्या है मल्टीपल बुक्स के बारे में बात की जा रही है। चलो आगे देखो जरा क्या लिखा हुआ है, Here is another example. क्या लिखा है देखो, None of us is going to the banquet. कि हम में से कोई भी banquet नहीं जा रहा, लेकिन आगे देखो, None of us are going to the banquet. ये भी ठीक है मेरे बच्चों, समझ रहे हो।
अब जरा देखो क्या लिखा है हमारे पास सेंटेंस. यस नॉट वन ऑफ अस इज गोइंग टू द बैंक्वेट बट वी आर रियली टॉकिंग अबाउट अ प्लूरल अस सो नन आर इज अ सेंसिबल सिलेक्शन टू. मेरे बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये दरअसल आज का लेक्चर हमारा करेक्शन ऑफ एरर्स का थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन करनी थी. मेरे बच्चों जरा जल्दी से मुझे बताइएगा यहाँ तक कि बेटा आपकी आज कितनी मिस्टेक्स आई थी और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. शाबाश सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा मैं, कितनी मिस्टेक्स आई और मेरे बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. तमाम बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा, सारे के सारे जवाब दो मुझको. शाबाश, चलो भाई जल्दी जल्दी जवाब दो बेटा सारे के सारे. हसन कितनी मिस्टेक्स आई बेटा? हसन लेकिन बेटा क्लियर हुआ मेरा बच्चा? अरे ऐसे कैसे बता दूं मैं तुमको भाई, मैं थोड़े बताऊंगा ऐसे कैसे आएंगे, खुद करो तैयारी. अरे मेरा बच्चा तैयारी करोगे, मैं थोड़ी करवाऊंगा बेटा चीज की, मैं तो गाइड कर दूंगा किस तरह करना होता और क्या करूंगा मेरा बच्चा मैं इसमें. ठीक है चलो मेरे बच्चों बेटा आज हम फिर यहाँ पे रोकते हैं इसको. ठीक है हमने अल्लाह का शुक्र है ये बहुत डिटेल में कवर कर लिया, अल्लाह का शुक्र है. सही है तो मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इतना ही. ठीक है हम बेटा बाद में इसको कंटिन्यू करते हैं. अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़. गुड बेटा बाबरा, शाबाश बेटा, गुड. अल्लाह हाफिज़ मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़.